रायगढ़ जिले में एक संदिग्ध नाव मिली है। इसकी सूचना मिलते ही जिले की पुलिस के साथ साथ जांच एजेंसी भी मौके पर पहुंच गई है। नाव से AK-47 भी बरामद हुई है। इस मामले में राज्य के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जांच के आदेश दिए हैं। सभी जगह नाकाबंदी की और इसकी तफ्तीश शुरू की गई। हम लोगों ने तुरंत भारतीय कोस्ट गार्ड के साथ संपर्क किया और उन्होंने भी इसकी तफ्तीश शुरू की। तफ्तीश में यह ध्यान में आया है कि इस बोट का नाम लेडी हान है। इसकी मालिक एक ऑस्ट्रेलियन महिला है। उस महिला के पति इस बोट के कप्तान है और ये बोट मस्कत से यूरोप की ओर जा रही थी और करीब 26/6/2022 को इस बोट का इंजन ये खराब हुआ और बोट पर जो लोग थे उन्होंने एक डिस्ट्रेस कॉल दिया। कोरियन नेवी की बोट आसपास थी। उस कोरियन नेवी के शिप ने इन सभी लोगों को रेस्क्यू किया और रेस्क्यू करने के बाद उनको ओमान को सुपुर्द किया। उस समय हाई टाइड होने के कारण इस बोट को उसका टोइंग नहीं किया जा सका और हाई टाइड के कारण ये बोट ड्रिफ्ट होते हुए श्रीवर्धन की तरफ आई और श्रीवर्धन के किनारे पर आकर लगी। भारतीय कोस्ट गार्ड ने इस सारी चीज़ों की पुष्टि की है। फिर भी हमने अभी तक हाई अलर्ट रखा हुआ है और नाकाबंदी भी शुरू है क्योंकि फेस्टिवल का सारा सीजन चल रहा है। ऐसे समय कोई भी रिस्क नहीं ली जा सकती, इसलिए सबको अलर्ट पर रखा है। किंतु अब बोट के बारे में पुख्ता जानकारी हमारे पास आ गई है।